हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अभी मैं नवनिया के स्कूल के कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि स्कूल में जो नवनिया एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके पिक्चर्स वगैरह शेयर करूँ। तो अभी तो मैं फ़िलहाल कल जो अर्थ डे सेलिब्रेशन हुआ है और उसके एक दिन पहले की जो तैयारियाँ वो लोग कर रहे थे, सबके कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ। आगे नवनिया स्कूल से, और जैसा मैंने भेजा था ड्रेस अभी वैसे ही हल्का सा नब का वहां से थोड़ा फटा है, बट मुझे बहुत खुशी है कि जैसा भेजा था वैसे ही वापस आए हैं दोनों। मैं आपके लिए बना दी मम्मी की। अच्छा, मम्मी के लिए बना के लाए हो। ये रिसाइकल मटेरियल से आयान अनाया ने कुछ क्राफ्ट बनाया है। वेरी गुड, वेरी सीखने की नींव डल चुकी है। इनके मम्मी इसी सब चीज में एक्सपर्ट है, रिसाइकल मटेरियल से कुछ कुछ बनाने में, होम डेकोर ये सब करने में, और बच्चे भी अभी सीखना चालू कर दिए हैं। बहुत अच्छी बात है, वाह गुरी। Hey guys, welcome back to the channel. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो आज ही मैंने एक ब्लॉग खत्म किया, अभी दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। नवनिया स्कूल से आ गए हैं और वो खाकर मस्ती कर रहे हैं, और शाम में हमें जाना है JLT, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो काफी दिनों से मैंने आईब्रोज वगैरह नहीं बनाए थे, तो आज मैंने सोचा वो कर लेती हूँ जाने से पहले। मैं तो घर पे ही करती हूँ, तो मेरा ये बैक स्ट्रिप और मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। तो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और हम लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए। मैं, नवनिया, हम तीनों सो गए थे और अनिमेश का कॉल था तो वो काम कर रहे थे। और वैसे तो मैं तैयार हूँ, बट मैंने सोचा कि जब मैं इतना तैयार हुई हूँ तो मस्कारा भी लगा लेती हूँ और आप लोगों के साथ एक छोटा सा ट्रिक शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। मुझे कितने दिन से याद था कि मुझे ये ट्रिक शेयर करना है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको जब मैं ऐसे लगाती हूँ तो, लेकिन मैं भूल जाती थी। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जनरली क्या होता है, हम जब भी मस्कारा लगाते हैं तो अपनी आंखों में ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ लगाते हैं, राइट, ऐसे लगाते हैं। बट अगर आप अपने आईलेस में मस्कारा ऐसे लगाओगे, पहले आपको ऐसे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ऐसे चला लेना, बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे लगाना है, उसके बाद ऊपर नीचे करके लगा लेना है। पांच से छह बार आपको इस पुली को पहले अपने आईलैशेस पे ऐसा करना है, फिर 3 से 4 बार ऐसे ऐसे करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जनरली क्या होता है, हम मस्कारा ऐसे निकालते हैं और ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ करके लगाना शुरू कर देते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही लगाती थी, फिर बाद में मुझे ट्रिक पता चली तो मैं इस तरह से लगाती हूँ और मुझे डिफरेंस साफ पता चलता है। आप इसको लगा के देखना, आपको भी डिफरेंस पता चलेगा। अभी आपको मेरे दोनों आंखों में कुछ डिफरेंस पता चल रहा है, शायद कैमरे पे ऐसे पता नहीं चल रहा होगा और मेरा फेस बहुत अजीब सा दिख रहा है, प्लीज इग्नोर कीजिएगा। तो मैं वही बता रही थी, कैमरे पे इतना शायद पता नहीं चल रहा होगा, बट ऐसे सामने से देखने से पता चलता है कि दोनों आंख के आईलैशेस में कितना फर्क दिख रहा है। मैं कोशिश करती हूँ आपको एक बार दिखाने की, देखिए। और इधर देखिए, इस आंख में मैंने अभी तक मस्कारा लगाया नहीं है। इस तरह से पहले बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घुमाने से क्या होता है ना, हमारे लैशेस ना अच्छे से ऐसे खुल जाते हैं। बहुत लोगों को ये ट्रिक पता होगा, बहुत लोग पहले से ऐसे लगाते आ रहे होंगे। मैंने अपने दोनों आंखों के आईलैशेस पे मस्कारा लगा लिया है, बट अगर आप इस ट्रिक के साथ मस्कारा लगाते हो, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ऐसे लगाते हो, तो हो सकता है जो मस्कारे का लिक्विड है वो आपके आईलैशेस पे थोड़ा ज्यादा लग जाए, तो इसीलिए आपको ऐसे नीचे से ऊपर भी इस तरह से 3-4 बार चला लेना है इसको। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके आईलैशेस पे लगा है वो अच्छे से बाहर आ जाएगा इस तरह से करने से। बस यही था एक छोटा सा ट्रिक, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। टाइम टू टाइम ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी।
तो तैयार हो गई हूँ मैं। वैसे मुझे आज मस्कारा लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने नहीं सोचा था मस्कारा लगाऊंगी, बट फिर मैंने सोचा कि आपके साथ ट्रिक भी शेयर कर दूंगी और लगा भी लेती, इसलिए लगा लिया। तो चलिए फिर मिलते हो आपसे। ये है मेरा आउटफिट आज का, ये मेरा काफी पुराना स्कर्ट और टॉप है, और इन दोनों को देखिए, दोनों भी तैयार। अच्छा, ऐसे करोगे ओरियो को? ओरियो हम नहीं काटेंगे, ओरियो। ओके, सो गाइस हम लोग निकल गए और यहीं से हमें दिख रहा है ट्रैफिक जाम, बहुत ज्यादा रश है रोड पे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, और अनिमेश अभी ड्राइविंग पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो काफी दिन के बाद आप सभी को कर रहा हूँ गाड़ी से अभिनंदन आभार। क्यों, काफी दिन के बाद? क्या आज ही या कल किया है शायद? गाड़ी से पता नहीं, नहीं मैं गाड़ी से बोल रहा हूँ, रोज तो करता ही हूँ लेकिन गाड़ी से पहली बार कर रहा हूँ। पहली बार मतलब बहुत दिन के बाद कर रहा हूँ। क्या, मैं थोड़ा रोड पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ ना, प्लस एज भी हो गई है। किसी ने पूछा भी था लाइव पे कि अनिमेश जी का एज कितना है, मैंने बोला था 50 साल। और मैं, आप मेरे से 2 ही साल छोटे हो ना। खैर, एज में क्या रखा हुआ है। हाँ, सही बात है। और ये भी देखो। और डे टू डे इतना सजा हुआ है, सेंटर पॉइंट भी बहुत सजा हुआ था। ये है रमजान की बहुत ज्यादा रौनक लगी हुई है, हर जगह सब कुछ सजा हुआ है। ये दोनों सब हेलो कर दो। पहुंच गए हम लोग, भाभी जी का चिकन बिरयानी बनाया हुआ है। सिग्नेचर डिश चिकन बिरयानी, एक स्पून से था। थैंक यू। ट्राई कैट लेना है। कहाँ है ओरियो? कहाँ है? मम, गिव मी माय ओरियो, गिव मी माय हैंड माय ओरियो। ओरियो बाहर नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? ओरियो बेड के नीचे है। इसको मैं उसे, ये मैं आपको बुरा इंसान।
He was hungry. I want different food for all you. I not eat it for all you. चलो आने के बाद हमने स्टार्टर खाया, खाना खाया और देखिए अब मिया को प्ले एरिया में आ गए और खेल रहे हैं। You and me, I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. Cause you're in my head. You are, cause you're in my head. Cause you're in my Nab Mia. Ferni Rasmalai. Come. You can eat, it's not that sweet. ये ऑडियो के पीछे परेशान। नाउ पटको पटको क्लोज बोथ द डोर्स। ओके आई एम कोटिंग इट। द टी चेक भी बोल ले इसको देना। इसका नेल लग रहा है। हां नेल। हटे गल नो। नाउ वेयर विल यू हाइड। अभी सोफा के पीछे। No, now you touch. Now you touch it. Don't do it. It's okay. It's okay. Or you? Hey, hey, hey! Could you fix it? छोड़ दो, परेशान मत करो उसको. In 7,000 dirhams, na? 7,833. भाभी जी जो ड्राइविंग क्लासेस ले रही है, Emirates ड्राइविंग क्लासेस, राइट? 7,800. And you have to pay immediately. 7,833 you have to pay. Okay. And unlimited classes. If you fail, no need to pay. How many times you fail, it's no need to pay. 3 weeks. My 3 weeks is here, and I have to wait 4 weeks waiting, and next month I'm there. I have to start my classes. Okay. Yeah. Unlimited. Unlimited classes. If you fail also, no need to pay. It's Emirates Driving School. Al Quds. वो कहीं भी ब्रांच रहता है उसका. The package will be available for same. Yeah. Every branch office. But good thing is they will come and pick you and drop you. आ गए हम लोग घर वापस. सो गाइज हम लोग घर आ गए, काफ़ी लेट हो गया है। नवनिया के कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, लोग ब्रश करके गए सोने। मैंने सोचा ब्लॉग एंड कर लेती हूँ, आपसे बात कर लेती हूँ, इसीलिए मैंने भी चेंज नहीं किया है। वहाँ पे हम लोग क्या अच्छा टाइम बीता, खाना पीना हुआ और फिर उनके सोसाइटी के नीचे जो प्ले एरिया है नवनिया, वहाँ खेलने चले गए। नवनिया तो मेन ओरियो के लिए गए थे, जो पर्शियन कैट है वहाँ ओरियो, मैंने बताया हुआ अपनी वीडियो में पहले भी, तो वो एक मेल कैट है। बहुत छोटे में ओरियो को सतीश जी और भाभी जी लेकर आए थे, वो जो पेट और बर्ड शॉप मैं गई थी अलवर्शन में, वहीं से लेके आए थे। जब वो 3 या 4 महीने का था, शायद 3 महीने का था तभी, अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया। नवनिया ओरियो से ही मिलने गए थे, खासकर निया को इतना ज़्यादा अटैचमेंट है पेट से। वो जब होली में गई थी, आपने देखा होगा होली वाली वीडियो में, वहाँ भी जो डॉग थी मिसा, उसको पकड़ के वो ऐसे हग कर रही थी। अभी ओरियो को वो हक करना चाहती थी, बट ओरियो थोड़ा भी आवाज़ सुनता था तो वो बेड के नीचे चला जाए। और निया परेशान, कैसे ओरियो बाहर निकले, और वो जैसे ही बाहर आता था तो निया एक्साइटमेंट में थोड़ी भी आवाज़ कर देती थी, तो फिर उससे वो वापस अंदर, तो फिर किसी तरह से उसको बाहर लाया गया, क्योंकि निया बहुत बोल रही थी, उसको देखना था, उसको हक करना था, बार बार बोल रही थी, तो उसको किसी तरह से निकाल के लाया गया। और फिर थोड़ा नवनिया ने खेला ओरियो के साथ, उसके बाद फिर ओरियो चला गया वापस से बेड के नीचे। ऐसे ही हमारा टाइम क्या अच्छी रही आज की शाम। और हाँ, भाभी जी जो बता रही थी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, उन्होंने अभी ड्राइविंग क्लासेस स्टार्ट किए हैं, उन्होंने थ्योरी टेस्ट क्लियर कर लिया है, और उनका अच्छा है पैकेज, 7,800 समथिंग का जो है अनलिमिटेड है, कितनी बार भी फेल हो आप उसी पैसे में बार बार फिर एग्ज़ाम दे सकते हो।
तो वो अच्छा है। वही सब मैं पूछ रही थी क्या कैसे वो जाते हैं, और उनका अच्छा है, उनको घर से लेके जाते हैं क्लास में वो लोग खुद, और ड्रॉप भी करते हैं, पिक एंड ड्रॉप भी उनकी तरफ से जहाँ पे उनका क्लास चलता है, तो ये अच्छा है काफी। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो यही है, ऐसी भी थी आज की हमारी ये शाम। अब मिलते हैं हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।